यूं तो कहने के लिए अंडमान निकोबार द्वीपों के चारों तरफ पानी ही पानी है, पर अंडमान निकोबार द्वीपों में खासकर पोर्ट ब्लेयर शहर के लोगों के लिए पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में पानी की समस्या दिखाई देती है, लेकिन इस साल जून महीने में भी ये समस्या समाप्त नहीं हुई है। वैसे मॉनसून हर साल मई महीने के 20 तारीख तक पहुंच जाती है अंडमान में। इस साल भी मॉनसून समय से पहुंचा, पर बारिश इतनी नहीं हुई कि अंडमान के लोगों को, खासकर पोर्ट ब्लेयर शहर के लोगों को ठीक तरीके से पानी दिया जा सके। पानी की समस्या को लेकर पोर्ट ब्लेयर शहर के लोग ही नहीं बल्कि पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद भी बहुत चिंतित है। अब अंडमान निकोबार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पानी से जुड़े जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन्हें समय से समाप्त किया जाए ताकि अगले 10 सालों तक इन द्वीपों में पानी की समस्या सामने ना आए। आज का जो रवैया ऐसा है, जो डेयरी फार्म का जवाहर सरोवर से 3 दिन में एक बार पानी दे रहा है और दूसरा जगह से जो धनी गाड़ी से पानी नहीं आता वो जगह में 5 दिन में एक बार पानी दे रहा है। जो धनी गाड़ी डैम से आज जो बुनियादाबाद वाटर टैंक में आता है और पुलिस लाइन वाटर टैंक में जाता है, उनको जो है हम 7 दिन में एक बार पानी दे रहा है। वो 7 दिन में एक बार भी जो है 30 मिनट में, मिनिमम 30 मिनट में 20 मिनट दे रहा है। वो लोग आज बहुत परेशान हैं क्योंकि हर बच्चे गुसल करने परेशान है। आज यह कोरोना 19 के टाइम में आज हाथ धोने का भी प्रॉब्लम हो गया, पानी का इतना दिक्कत है, मोहताज है पूछे मत। और जो तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है रेटेलिन का प्रोजेक्ट, जो कि काला पार्ट में बोलते हैं कि 7 ML/6 ML पानी, 5 ML पानी मिलेगा। सही में हम लोग जाकर देखा है, जब सर्वे किया तो वहाँ में 7 ML/5 ML पानी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम धूप का टाइम में, कड़ी धूप का टाइम मिलने से मैक्सिमम 2.5 ML पानी जो है मिल सकता है। ये जो नीचे अंडरग्राउंड सी वाटर का जो पाइपलाइनिंग का जो काम है, अभी टेंडर हो चुका है, वो कब होगा ऊपर वाला था। धनीगढ़ी वाटर डैम मेन कैचमेंट एरिया वही है, वहीं से ही मैक्सिमम सप्लाई पोर्ट ब्लेयर सिटी का उधर ही से होता है। वहाँ में अभी 48.21 मीटर हाइट में है पानी। अभी पानी जो है 50 मीटर तक आएगा तो वॉल में डायरेक्ट खोलने की तरह आ जाएगा, तब जाके हम लोग 1/5 या 1/4 कर सकता है। और 52 मीटर हाइट में पहुंच जाएगा तो फिर नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा। राजी रोड गांधी पार्क से डिपेंड है, और बटलेन एरिया है, बिटनाबाद से डिपेंड है, ब्रिजगंज है, डॉलीगंज में एक पार्ट है, ये सब एरिया में पानी में भर गया है। वहाँ में ऑलरेडी हम लोग 1/5 to 1/4 कर दिया है। अभी जो बाकी एरिया जो है मेन जो है इससे डिपेंड है, धनीगढ़ी डैम से। धनीगढ़ी डैम का जब तक राइस नहीं होएगा तब तक यही स्थिति रहेगा। बारिश थोड़ा सा 2 दिन अच्छा से गिर जाएगा तो 50 मीटर में पहुंच जाएगा, तो फिर नॉर्मल वाल्व में पानी, अभी तो पंपिंग में ही चलता है, पंप रख के 4-5 पंप रख के पानी को पंपिंग करके ही अभी सप्लाई देता हम लोग पर डे 15 ML तक हम लोग का पानी वहाँ से सप्लाई होना, अभी 3 ML तक ही सप्लाई होता, इसका वजह से इतना प्रॉब्लम होता है। अगर नॉर्मल वाल्व में आ जाएगा तो जैसा 50 मीटर पहुंचेगा तब थोड़ा सा नॉर्मल में आ जाएगा।